बीएसएनएल कर्मचारियों को वेतन वृद्धि न दिए जाने पर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी के चलते हमीरपुर बीएसएनएल कार्यालय के बाहर दिन पर धरना दिया गया और कामकाज ठप रखा तो केंद्र सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के प्रति गहरा रोष पनपा हुआ है क्योंकि पिछले काफी समय से केवल मात्र आश्वासन दिए जा रहे हैं और वेतन वृद्धि नहीं की जा रही है। मुख्य मांगों में पेंशन वृद्धि, पीआरसी, वेतन वृद्धि नहीं किए जाने की मांग की जा रही है और कर्मचारियों ने दो टूक शब्दों में सरकार को चिताया है कि अगर 14 नवंबर तक सरकार नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाकर आंदोलन को तेज करेंगे। बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन के नेता करमचंद ठाकुर ने बताया कि बीएसएनएल कर्मचारियों को वेतन वृद्धि न दिए जाने पर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर 14 नवंबर तक सरकार नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाकर आंदोलन को तेज करेंगे। भारत सरकार ने अपने तमाम कर्मचारियों को वेतन वृद्धि कर दी है, लेकिन बीएसएनएल के अंदर आज दिनांक तक जो कि हमारा जो वेतन वृद्धि का मुद्दा है 1/1/2017 से पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन आज दिनांक तक उसको बीएसएनएल मैनेजमेंट और भारत सरकार इसको सेटल नहीं कर रही है। इसी के विरोध में हमने आज धरना प्रदर्शन किया है और इससे पहले हमने इसी संबंध में 24/2/2018 को हमने दिल्ली में मार्च टू पार्लियामेंट किया था, लेकिन उसके बाद हमारी जो मंत्री साहब मनोज सिन्हा जी हैं उन्होंने हमारे नेताओं को बुलाकर हमें आश्वासन दिया था कि आपकी जो जायज डिमांड्स है सारी डिमांडों को सॉल्व कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक किसी प्रकार की हमारी जो डिमांड है सॉल्व नहीं की गई है। इसीलिए आज हमने धरना प्रदर्शन किया है। इसमें हमारी प्रमुख जो मांगे हैं थर्ड पीआरसी है, जो तृतीय वेतन वृद्धि है उसका हमारा मेन मुद्दा है, 4G स्पेक्ट्रम है जो हमें कई दिनों से अलॉट नहीं किया जा रहा है वो मुद्दा है, हमारे जो पेंशनर है उनकी पेंशन वृद्धि नहीं है वो हमारा मेन मुद्दा है। 30/11 से बाद हम एक अलग से रणनीति बनाएंगे जिसमें हमारे जो तमाम यूनियन एक्ट के तहत जो हमारी जो हमारे पावर है उसका हम पूरा यूज करेंगे, चाहे उसको हंगर स्ट्राइक हो या इनडेफिनेट स्ट्राइक हो या कोई दूसरी जो भी हमारे यूनियन एक्ट के तहत जो भी हमारी पसंद है उसके अनुसार हम कार्य करेंगे।